नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। आज हम जानेंगे सिडनी के प्रसिद्ध नेत्र अस्पताल संकर नेत्रालय के बारे में। संकर नेत्रालय इसका मेन सेंटर कॉलेज रोड में स्थित है। वो आपको मैं इस वीडियो में दिखाता हूँ। हरे हरे कॉलेज रोड में है ये, चेन्नई 6 में ये बोर्ड लगा हुआ है। ये रोड खड़ा है मेन बाउंड्री वाल। आप इस गेट से, मेन गेट है ये मेन सेंटर का, आप इससे इंटर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सामने से, ये आपको इंक्वायरी इधर से पूछने का है। ये आप चिप्स खा सकते हैं, समोसा चाय वगैरह पी सकते हैं। पेशेंट है उसके, उनके अटेंडेंट के लिए है ये बना हुआ। स्नैक्स मिल जाएगा आपको यहाँ पर। और ये नीचे कैंटीन है, आपको पूरा खाना मिलेगा। पूरा नॉर्थ इंडिया खाना जो है वो यहाँ मिल सकता है आपको। यहाँ देख रहे हैं आप काउंटर में देख रहे लोग खाना ले रहे हैं। काफी यहाँ पर लोग आते हैं खाना खाने। यहाँ पर साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। डॉक्टर पेशेंट भी आते हैं खाने। ये देखिए लोग बैठे खा रहे हैं यहाँ पर, इसी में बाहर आ जाते हैं। बाहर की तरफ पेड़ लगाया गया है, शेड लगाया गया है लोगों के बैठने के लिए। ये मेन रोड देख रहे हैं, ये गेट से लोग अंदर आ रहे हैं। ये बोर्ड लगा हुआ है, शेड के नीचे लोग बैठे हुए हैं। पेड़ भी लगाए गए हैं ताकि लोग कुछ छाव अच्छे से मिल सके। अब ये देखिए इंक्वायरी काउंटर है, यहाँ पे लोग पूछ सकते हैं। यहाँ शेड लगा हुआ है, कुर्सियाँ लगी हुई हैं। गाड़ी काउंटर बोल पार्किंग के लिए जगह है। लोग जो लोकल यहाँ आते हैं वो अपनी गाड़ी रख सकते हैं। यहाँ बच्चों के लिए झूला भी लगाया गया है ताकि पेशेंट के साथ जो बच्चे हैं उनको खेलने के लिए यहाँ पर बना हुआ है। देख रहे हैं बिल्डिंग, एक बस लगी हुई है जो आपको यहाँ से मेन सेंटर से बगल के ब्रांच में ले जाती है। यही बस है जो दिन इतनी चलती है, लोग फ्री में बगल में ले जाती है, कोई चार्ज नहीं दिया जाता है। यहाँ अलग अलग ब्लॉक बने हुए हैं। ये बस है संकर नेत्रालय की, पेशेंट को ले जाने के लिए बगल के सेंटरों में। बगल में से जेके सी एन है, वहाँ पर बस ले जाती है। दिन के 3 बार चलती है बस। अब देख रहे हैं चारों तरफ, मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने का। काफी बड़ा कैंपस है। जो लोगों ने दान किया है उनके यहाँ मूर्तियां लगी हुई है। यहाँ बोर्ड पर किस तल्ले पर किस फ्लोर क्या है ये आप जानकारी यहाँ मिल जाएगी आपको। यहाँ लोग घुस रहे हैं सिक्योरिटी के बाहर गेट पर। देख रहे हैं पेशेंट और डॉक्टर अंदर जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ बैंड भी आता है पेशेंट के लिए, नारंगी रंग का, और पेशेंट अटेंडेंट के लिए यह हर रंग का बैंड। एंट्री पास है, यह आपको दिखाना पड़ लगाना पड़ता है तभी आपको एंट्री मिलेगी। यह ऊपर आ गए हैं, रजिस्ट्रेशन काउंटर है। ये लिफ्ट लगी हुई है यहाँ पर, पेशेंट को उसी से ले आ सकता है। यहाँ देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन काउंटर बोलने की छोटी जगह है। ये गार्ड खड़े हैं जो यहाँ पर वार्ड बॉय है उनको ये दिया गया है गुलाबी रंग का। सीढ़ियाँ सीढ़ियों से लोग जा सकते हैं। ये अलग अलग ब्लॉक है यहाँ पर लगा हुआ है जानकारी। ऑपरेशन इसी सेंट्रल मेन सेंटर में किया जाता है। यहाँ
चश्मे की दुकान, यहाँ से आप चश्मा भी ले सकते हैं। बाहर के तो आपको कुरियर से भेज दिया जाएगा, जो भी पूरा बन जाएगा। या देखिए अंडा रजिस्ट्रेशन काउंटर मेन सेंटर का, यहाँ पर आप कार्ड, यहाँ पर कैशलेस पेमेंट किया जाता है, यहाँ आप पैसे जमा कर सकते हैं। अगर आपका तो कार्ड है तो आपको वो भी दिखा के आप फ्री में इलाज करा सकते हैं। ये लोग बैठने के लिए कुर्सियाँ लगी हुई हैं। हेलो सर, तो मैं आपको घुमा कर दिखा रहा हूँ इसे। लेकिन अब बोलिए आगे में डॉक्टर आ रहे हैं, बगल में रूम है, हर रूम में अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं। ये रूम आप देख रहे हैं, यहाँ पर टेस्ट किया जाता है पेशेंट का। ये देख रहे हैं आप लोग हैं, यहाँ पर आग लगने में लगा हुआ है। साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है यहाँ पर। ये ऑपरेशन थिएटर का काउंटर है, इनका ऑपरेशन तो वही यहाँ कर के अटेंडेंट बैठते हैं। सामने स्क्रीन लगी हुई है, ऊपर ऑपरेशन को भी दिखाया जाता है जो संभव है। ये दिख रहा है इनके टीम में बैठे हुए हैं। ये देखिए थिएटर जाने का रास्ता है ये। ऑपरेशन से पहले पेशेंट को आँख में ड्रॉप डाला जाता है। आँख में ड्रॉप डालने के बाद जो साथ में जो हॉस्पिटल का स्टाफ है उसे भी जर बैठा के ले आते हैं। बगल में उसकी फाइल रख दी जाती है पेशेंट के बगल में। तो देख रहे हैं अभी स्टाफ से ऑपरेशन थिएटर तक पेशेंट को ले जाएगा। ये लिफ्ट की व्यवस्था भी है, उसे चौथे तल्ले पर जाने के लिए ऑपरेशन चौथे तल्ले पर किया जाता है। लिखना है पेशेंट ले जा रहा है ऑपरेशन के लिए। पेशेंट को व्हीलचेयर से उतार कर सोफे पर बैठने का दिया जाएगा, तब तक उसका नंबर नहीं है। और पेशेंट बैठे हुए जिनका ऑपरेशन होना है, नीले रंग ड्रेस इन लोगों को पहना दी जाती है। डॉक्टर तक दिया जाता है, पेशेंट बैठे हुए हैं। ये है ऑपरेशन थिएटर। ये स्ट्रेचर है, पेशेंट को लाया जा रहा है ऑपरेशन के बाद। किन्हीं को स्ट्रेचर से आता है, किन्हीं को स्ट्रेचर से लाया जाता है। ये स्ट्रेचर से पेशेंट को लाया जा रहा है। ये देखिए ऑपरेशन के बाद इनको हर पेशेंट को रूम दिया जाता है, जैसा कुछ चार्ज दिया जाता है उनको अटेंडेंट के लिए। कुछ देर 4-5 घंटे उनको वहाँ रखा जाता है ऑब्जर्वेशन में, उसी दूर तक ले जाया जा रहा है। पेशेंट को ऑपरेशन बाद इस रूम में रखा जाएगा। ये उस पर कुछ दिशा निर्देश है पेशेंट को क्या करना है, क्या खाना है। अब ये देखिए पेशेंट को उसी रूम में रखा जाएगा। बेड अटेंडेंट के लिए बैठने के लिए है, लेट अटेंडेंट यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा आपको। यहाँ पर ये नर्स है जो बता रही है झुका कर रखा जाता है। देखना है पेशेंट की सिर झुका कर लेटी हुई है। ये आपको यहाँ पर दवा मिलती है, यहाँ सब दवा ले सकते हैं। निकल जा रहा है ये दवा, हम देख रहे हैं यहाँ पर सब तरह की दवाएं आपको मिल जाएगी। ये आप यहाँ से ले सकते हैं, कहीं दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। टाइम में कब खुलता है कब आप लौटा सकते हैं दवा। ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं काउंटर पर,
ये चित्रन्य का रास्ता। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।